हाई असलकुम आई एम मोहम्मद मुसावरो एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हार डी वैनबर्ग लॉ एंड इट्स इम्प्लिकेशन्स और यह uh, टॉपिक जो है न इंटरबाइलॉजी चैप्टर नम चैप्टर एवलेशन से ताल्लुक़ रखता है और ये टॉपिक जो है न एवलेशन को समझने में और उनके असल मुहरक को समझने में बहुत मुफीद रहेगा लर्निंग ऑब्जेक्ट्स सो इस लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डी वैनबर्ग थ्योरम स्टेटमेंट ऑफ हार्डी वैनबर्ग लॉ डिस्क्रिप्शन ऑफ बाइनल इक्वेशन हाइपोथेटिकल एग्जांपल अबाउट प्लीकेशन या यूजेज ऑफ दिस ला तो यह हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट हैं जो इस ट्यूटोल में हम अचीव करना करने की कोशिश करेंगे इस को आगे डिस्कस करने से पहले इस टॉपिक की यह अहमियत है कि अक्सर लोग जो है ना एवेलेशन के बारे में सवाल करते हैं और कि भाई फलानी पापुलेशन में एवेलेशन हो रही है हुई है उनकी आपने लेक्चर में मिसाल दिया है और दूसरी पापुलेशन में नहीं हो रही उनके क्या इसबाब हैं फलानी पापुलेशन से फलाने पैदा हो रहे हैं तो इससे क्या फ्यूचर में पैदा होगा और फलानी जो एक पापुलेशन है फिशस की पापुलेशन उसमें या फ़लॉँ उनकी पापुलेशन है उनमें एवोलेशन नहीं हो रही उनके इसबाब क्या हैं तो ये सारे सवालत को समझने में ये जो है ना अल्लाह जो है ना बहुत अहम किरदार आएगा कि भाई वाट आर द रीज़न कि कुछ पापुलेशन में एवोलेशन हो रही है या होती है या हुई है और कुछ पापुलेशन में एवोलेशन नहीं होती उनकी Uh, उनकी जो है ना स्पीड जो है ना स्लो होती है उनका रेट जो है ना स्लो होता है तो इसी ला में आप जो है ना डिस्कस करेंगे लेट्स डिस्कस इंट्रोडक्शन स्पेषी इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन और ग्रुप ऑफ

और किसी भी पॉपुलेशन में जितने जीन अलील्स हैं मीन्स सम ऑफ ऑल अलील्स फाउंड एट ऑल जीन लोसा इन ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन वी कॉल दैट जीन पोल और आप जानते हैं कि हर कैरेक्टर के लिए दो जो है ना अलील होते हैं एक डोमिनेंट होता है दूसरा रेसिस होता है डोमिनेंट ज्यादा एक्सप्रेस होता है रेसेस को कभी-कभी चांस मिलता है लेकिन डोमिनेंसी डस नॉट कॉज एन एलील टू बिकम अ कॉमन एलील मींस फॉर एग्जांपल हमारे हाथ टालनेस एक डोमिनेंट कैरेक्टर है लेकिन इसका मतलब नहीं सारे लोग जो है ना जो ना कद के लंबे हो गए हैं मींस ये डोमिनेंसी डस नॉट कॉज एन एलील टू बिकम और इनका दूसरा मतलब यह है कि हर पॉपुलेशन में और डामिन की जो अलील की फ्रीक्वेंसी होती है वो बरकरार रहती है और अगर उन फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी तो एवलेशन में एवुलेशन होने के चांसेस होते हैं तो कि किसी भी पॉपुलेशन में एक कॉन्स्टेंसी होती है जेनेटिक कॉन्सटेंसी होती है जेनेटिक मीन्स uh, स्टेबिलिटी होती है जेनेटिक इक्विलिब्रियम होता है और इसी इक्विलिब्रियम को इस पोटेंशियल कॉन्सटेंसी को पहली बार जो इंडिपेंडेंटली जी एच हार्डी एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और वेन डब्ल्यू वेनबर्ग एक जर्मन फिजिशियन थे उन्होंने रिकगनाइज किया था कि एक पॉपुलेशन में जीन पोल में कॉन्सटेंसी या इक्वलिब्रम या स्टेबिलिटी कैसे Uh, कायम रहती है और ये डिस्टर्ब होती है तो उससे क्या क्या होते हैं सो बोथ स्टेटेड और इस प्रिंसिपल का मतलब यह है कि दैट स्टेट दैट एन ऑफ ए जीन फ्रीक्वेंसी विल रिमेन इन इफेक्ट इन ईच सक्सीडिंग जनरेशन ऑफ सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन एज लॉन्ग एज फाइव कंडीशन आर मीट अगर पांच जो कंडीशन्स हैं शर्त हैं अगर वो उनको मीट किया जाए और वो ऐसा ही रहें तो किसी भी पॉपुलेशन में जीन फ्रिक्वेंसी सेम रहेगी लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। कि मीस एक तो यह है कि म्यूटेशन ना हो ये मुमकिन नहीं किसी न किसी वजूहत के इन्वामेंटल वजुहत के म्यूटेशन हो सकती है किस पॉपुलेशन में होती है किसी में नहीं होती तो ये नो म्यूटेशन नो जीन फ्लो एक पॉपुलेशन से दूसरी पापुलेशन में जीन फ्लो ना हो वाइल्ड लाइफ में तो ऐसा यहाँ हमारे यहाँ कल्चरल मसाइल हैं कल्चरली एक शादियाँ होती हैं एक पर्टिकुलर तरीके से तो उसमें जीन फ्लो को आप कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन वाइल्ड लाइफ में तो ऐसा ऐसा कोई माहा नहीं है ना वहाँ तो कोई भी मेल फीमेल एक दूसरे से जो है ना अपने जीन एक्सचेंज कर सकते हैं अपने जो है ना बच्चे पैदा कर सकते हैं तो नो जीन फ्लो रेंडम मेटिंग नो जेनेटिक ड्रिफ्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट को हम न्यूट्रल सिलेक्शन कहते हैं और नो सिलेक्शन मीन्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन ना हो ओके तो मीन्स ये कंडीशन अगर मीट करें तो म्यूटेशन ना हो नो जीन फ्लो नो जेनेटिक ड्रिफ्ट रेंडम मैटिंग नो सिलेक्शन तो जीन फ्रिक्वेंसी की जो जो जिन फ्रिक्वेंसी में जो इक्विलिब्रियम वो सेम रहेगा अगर ये नहीं मीट करती कंडीशन देन क्या होगा कि उसी में एवोल्यूशन होगी हार्डियन एंड वैन यूज बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो आपने छठी और सातवीं या पांचवीं दर्जे में बाइनोमियल मैथमेटिक में इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं ए स्क्ल टू सेमशन्स तो जो हार्डियोलग ने, ने इस्तेमाल की पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू स्क्वायर इजल यहाँ पी स्क्वायर का मतलब यह है कि पी स्क्र शोज़ द होमोजाइगस डोमिनेंट टू पी क्यू शोज़ द फ्रीक्सीट्रोजाइगस जीनोटाइप और क्यू स्क्वायर शोज द फ्रीकुनसी अब इस ला को जो है इस थ्योरम को या इस बाइन एक्सप्रेशन को हम यहाँ अप्लाई करते हैं कि कोई एक पॉपुलेशन है जिसमें ए एक डोमिनेंट अलील पाया जाता है उसकी फ्रीक्वेंसी 0.9 पॉइंट नाइन है या इसे कह लें उसमें 90 परसेंट है दूसरा रेसिस अलील ए है उसकी फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन में 0.1 है इस तरीके से कह लें उसकी पॉपुलेशन में 10 परसेंट फ्रिक्वेंसी है नाव इक्वेशन हम हार्डी और वेनबर्ग इस्तेमाल पी p square plus टू पी plus q क्यू स्क्वायर टू वन नाव इसमें वैल्यू पुट करें हमने वैल्यू पुट किया यहाँ हमारा a p square shows द dominant रेसेस तो हमारे यहाँ ये यह dominant a है तो यहाँ 0.9 को स्क्वायर किया हमने एंड क्यू शोज़ द रेसेसो यह रेसेसो इसको हमने पुट किया और ये हाटरोस को शो करता है हैट्रोजाइगस बोथा लील और रेसेसो ये डोमिनेंट और रेसिस और इनको हमने कैलकुलेट करें इनकी कैलकुलेशन ये आएगी 0.81 और इनकी कैलकुलेशन आएगी प्लस 0.18 और इनकी प्लस 0. जीरो वन है और ये दोनों एक ही है रहेगी मीन वो उनकी रेशियो सेम रहेगी तो दिस इज कॉल्ड जेने स्टेबिलिटी जेनेटिकेशन ऑफ हार्डी व प्रिंसिपल इस प्रिंसिपल या इस असूल या इस लाह की जो एक मेन एप्लीकेशन ये है यूजेज ये है कि इट टेल्स अस वाट फैक्टर काज एवोलेशन कौन फैक्टर्स जो है ना एवोलेशन काज करते हैं और कौन फैक्टर एवोलेशन का नहीं करते किस पापुलेशन में एवोलेशन होने के ज्यादा चांसेस हैं और किसी पापुलेशन में होने के न होने के चांसेस हैं एवलेशन न होने के चांसेस हैं तो ये हमें बता रहा है और एवलेशन तब होगी जब जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा अपसेट होगा मैंने बताया जेनेटिक इक्विलिब्रियम किसे के नो म्यूटेशन हो नो सिलेक्शन मैटिंग, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, इसको हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली अगर ये अपसेट हो इसका मसला इसमें म्यूटेशन हो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सिलेक्शन हो इसी तरीके से माइग्रेशन हो ए, एक इलाके से दूसरे इलाके से पॉपुलेशन हो और उनके बीच में जीन फ्लो हो तो क्या होगा एवोलेशन होगी ओके सो म्यूटेशन माइग्रेशन एनवायरमेंटल और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो है एवोल्यूशन नाउ द समरी ऑफ दिस टूटेल इज दैट डामिन डज नॉट काज एन अली टू बिकम ए कॉमन अली दूसरा ये कि वेनबर्ग एन हार्डी जो प्रिंसिपल है वह हमें पोटेंशियल कॉन्स्टेंसी ऑफ जीन पोल्स को, को के बारे में बता रहा है और ये स्टेट कर रहा है कि इक्वलम ऑफ जीन पोल ऑफ फ्रिक्वेंसी विल रिमेन इफेक्ट अगर वो सेम रहेगा अगर कुछ जो है ना कंडीशन मीट हो कंडीशन उसके मुताबिक हो अगर नहीं होंगी वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो उसी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन होगी और उन्होंने एक इक्वेशन दी थी बाइनोमियल इक्वेशन पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज टू वन और दिस प्रिंसिपल टेल्स अस व्हाट फैक्टर काज एवोल्यूशन तो ये हार्डियन इन बर्गला थैंक यू फॉर अटेंशन आई होप यू हैव Uh, learn this uh, thing very interesting. Thank you very much for here. Thank you.